कितनी सारी आवाज है। वाओ यार, आई एम लविंग द वेदर हियर नाउ। मॉर्निंग पीपल, सो ये है हमारा डे 3 इन अल्मोड़ा और अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत फैंटास्टिक रहा है। इस जगह की एक बहुत अलग वाइब है। अभी मैं बस एक कैफ़े में आया हूँ, यहाँ पे कुछ खाऊंगा। खाने के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है यहाँ पे, मतलब मेरे मतलब के जो सब मुझे खाना पसंद है। सो आई एम जस्ट हैविंग ए स्मूदी। रीमा एंड सुधा वर ऑलरेडी हियर। मैं थोड़ा लेट रेडी हुआ क्योंकि आज लेट उठा मैं और उन्होंने खा लिया। स्मूदी पी लिया मैंने, रास्ते में खाएंगे कुछ। बड़ा बच्चा निकलते हैं और एक दिक्कत हो गई है, मेरे ना सनग्लासेस नहीं मिल रहे हैं और वो पावर्ड सनग्लासेस हैं। तो कल शाम को मैं जब कसार देवी मंदिर गया था तो पहन के गया था और वहाँ पे ये भी लेके गया था साथ में, बिकॉज मुझे पता था कि शाम हो जाएगी सो चेंज कर लूँगा। उसके बाद मैंने बैग में तो रखे थे लेकिन वापस आके पता नहीं गाड़ी में कहीं रख दिए शायद। ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है, ये तो फिर सनग्लासेस हैं। मिल गए। हाँ, तो क्या हुआ कि मैं तो ये मेरा पहन लिया बोलने वाली थी तुझे। नहीं नहीं, वो तो मैं रास्ते में से खरीद भी लेता, बट द प्रॉब्लम इज दैट दीज आर पावर्ड ग्लासेस। अगर मैं लैपटॉप लेके आती ना मैं तो तुम लोग, अगर वेदर भी ठीक होता ना वहाँ पर तो मैं यहाँ रहने का मन है कि दिल्ली जाने का मन नहीं है, दोनों में से कौन सी बात है, बिकॉज दोनों बहुत अलग अलग बात है। नहीं मैंने क्या बोला तुझे, स्ट्रीट स्ट्रीट बात तो बोला, जाने का मन। हाँ इसका ये है और उसका उल्टा है, उसको दिल्ली नहीं जाना, तुझे यहाँ ये जगह नहीं छोड़नी। अरे ऐसे मैं ठूसो आराम से, मैं अरेंज तो करो उसे, इसको नीचे रखो ना पूरा, अरे ऊपर नहीं। मैं इस वेरी इंटेलिजेंट। अरे मैं भी तो ऐसे ही रखा था। सो मैंने कल मंदिर गया था, वहाँ पे ये टीका लगाया था पंडित जी ने और ये आज मैं निकाल रहा था। फेस वॉश कर लिया, सब कर लिया, लेकिन ये निकल नहीं रहा, बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो रीमा इज सेइंग कि भगवान ने अच्छे से ब्लेस किया। मैंने बोला इस टाइम तुम्हारा ब्लॉग पे बहुत सारे लाइक्स आएंगे, बहुत सारे सब्सक्रिप्शंस मिलेंगे, दुआ है भगवान जी की। अब जो देख रहा है वो तो पता नहीं लाइक करेगा नहीं करेगा। सो रानी खेत के लिए हमने हिल क्लाइंब शुरू कर दी है, नए पहाड़ पे चढ़ रहे हैं हम। बहुत ही शानदार रोड्स हैं और बेहतरीन नज़ारे, मतलब इतना छोटा सा भी गड्ढा नहीं है रोड पे अभी तक तो कहीं पे भी। ये ड्राइव इतना अमेजिंग है अल्मोड़ा से रानी खेत, अभी तो और आधे पौने घंटे का रास्ता बचा है, बट लंबे लंबे जो पेड़ आ रहे हैं ना इतना आकर्षित कर रहे हैं मुझे। बहुत देर से मैं सोच रहा था कि कहीं पे रुकूंगा, गाड़ी रोकूंगा और धूप भी पड़ रही थी एंड अभी एक ऐसा जगह मुझे दिखी है जहाँ पे इट्स वेरी लाइक इनक्लोज, यहाँ पे एक पिक्चर भी बनती है। जलेबी खानी है। कितनी सारी आवाज है, बहुत टेंस है यहाँ पे ना।
आई थिंक दीमक की आवाज है ये। बाहर उतरे तो एकदम मस्त हवा बहने लग गई। वाओ। सो हम रानीखेत पहुंच गए, मतलब उससे थोड़ा पहले गोल्फ कोर्स है, गोल्फ कोर्स देख गया, बट बीच कांट पार्क तक आ रहे थे, थोड़ी देर रुक तो सकते हैं यहाँ से। आप अभी उधर वो क्या है भैया, उधर बना के भी देते हैं ग्लास, बना के वो हजार भी रखा है। सो रोडोडेंड्रॉन माल्टा एंड कौन सा था एक और, एप्रिकॉट, इन तीनों का स्क्वॉश है एक 120 का बॉटल, व्हिच इज वेरी गुड प्राइस एक्चुअली। मैं लेके जाऊंगा यहाँ से। रोडोडेंड्रॉन मुझे बहुत सही लगता है, मैंने पहली बार बीर में पिया था एट कुकीज कैफे। कितने लंबे ट्रीज हैं यार ये। ओके आगे बढ़ते हैं अब। दीमक जी अपने दोस्त को बोलिए बाहर आइए, बढ़िया हवा चल रहा है, वो गर्मी में बैठी हुई है अंदर। उसका तबीयत खराब, क्या हो गया उसको? नहीं मतलब लवेरिया, लवेरिया कम आउट। एकदम से बहुत सारा क्राउड आ गया, दूषित हो गई जगह। ये पूरा वो आर्मी कैंप है, मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड, कितना सही लग रहा है। रस्सी जा रीमा, रस्सी पे लटक जा। मैं तो जा सकती हूँ, ऊपर तक उठ सकती हूँ। ऐसा है टूटा हुआ ये भी? हाँ ये तो खत्म ही। सो रानीखेत हम लोग पहुंच गए थे, अभी हम टाउन में गए ही नहीं। सो वहाँ पे एक डाइवर्जन था, वन वे बना रखा था, राइट साइड टाउन पे जा रहा था और लेफ्ट साइड उस हाईवे पे जा रहा था जहाँ से हमको वापस जाना है सुबह नैनीताल, नैनीताल क्रॉस करके जाएंगे। तो वही हाईवे ले लिया और वहाँ पे लिखा हुआ था चौबटिया, एंड मुझे पता था कि चौबटिया में थोड़े कैफेज़ या रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, लेकिन हाईवे आगे जाके और फिर डाइवर्ट हो गया और चौबटिया के लिए रास्ता लग जा रहा था, तो हम लोग हाईवे पे ही आ गए। और अभी एक ये फूड ट्रक है, यहाँ से कुछ खाएंगे, बहुत भूख लग रही है। तो एवरीबॉडी इज़ फीलिंग वेरी टायर्ड एंड लेजी राइट नाउ, तो इसलिए रानीखेत में कुछ नहीं कर रहे। सैंडविच रोल अभी ना बिल्कुल वैसा वाला हो रहा है जब यू टायर्ड भूख से मर रहे होते हो। टाइम लगेगा बहुत, कितना टाइम? हाफ एन आवर। लो जी जब भूखे मरना लिखा होता है ना तो ऐसे ही होता है। टाइम आएगा तू नंगा ही तो आया है क्या? कभी छोड़ ता तू रहता का ले। So, यहाँ से नैनीताल है 9 किलोमीटर, हम लोग पहले बाईपास करके जाने वाले थे अगर रास्ते में कुछ खा लेते तो, अब क्योंकि कुछ मिला नहीं है खाने के लिए तो एवरीबॉडी इज लाइक वेरी हंग्री, तो हमने सोचा कि नैनीताल होके चले जाते हैं, वहाँ पे तो यार ढंग का कुछ मिल ही जाएगा। पहुंच गए हम नैनीताल। हाँ कितना ट्रैफिक। नौ किलोमीटर बाईपास वाले पॉइंट से अंदर, बाईपास का रास्ता छोड़ के नैनीताल, इतने ट्रैफिक और इतने क्राउड में हम अंदर आए हैं सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए। जब भूख लगती है ना तो भूख करवाती है ऐसे काम। देखो भाई क्राउड देखो, सो लेक देख के इतना अच्छा लग रहा है ना, बट इतना शोर है ना, इफ़ यू क्लोज योर आइज ऐसे करके इतना शोर सुनाई देगा।
But the view is fantastic, man. यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं ना, तब भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ पे खाना है। हमने बस एक ही क्या ऑर्डर किया तुमने? चिकन। चिकन। मजा आ गया यार खाना खाके, आत्मा को शांति मिल गई। फटाफट से हम निकलते हैं यहाँ से, 6:30 बज गए हैं और 7 घंटे तो मैप से दिखा रहा है रास्ता और हमको 2 घंटे पता नहीं 1 घंटा एक्स्ट्रा मान के चलो। यार रीमा कैसा लग रहा है खाना खा के? दो दिन में हमने पहली बार ढंग का खाना खाया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब आज बस अब बेड चाहिए हमें सोने के लिए। तो यहाँ पे इन लोगों को वॉशरूम यूज़ करना था तो भी स्टॉप डे हुई इस हाईवे पे, और कुछ भी नहीं था। दूसरी चीज़ भाई, ये हाईवे बहुत मस्त है, हम पता नहीं यहाँ से गए क्यों नहीं, मैप्स ने वो दिखाया था। एंड लाइक आई सेड इन माय फर्स्ट व्लॉग की नैनीताल में वैसे 10 साल पहले आया था तो मुझे रास्ता ना इतना याद नहीं था, बट गुड दैट वी नो नाउ। खाने देना तुझे, फ्रूट ले 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 फ्रूट। लोग हापुड़ ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे का रास्ता रह गया होगा, हल्की हल्की सी भूख लग रही है। अब नैनीताल वाला खाना नीचे चला गया है, 6 घंटे तो हो गए हैं यार, 12:30 बज रहे हैं ना अभी। डाइजेस्ट हो गया। तो कैसा लग रहा है दिल्ली वापस आके? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है वेदर की वजह से, बट क्या करें, दिल्ली ही रोज ही रोटी देती है हमें। हाँ ये तो पॉइंट की बात है। सो ये लोग को जाना है वसंत कुंज साइड, देव कॉल्ड फॉर अ कैब। हम खड़े हैं अभी लाजपत में और अभी 2 बज रहे हैं, बहुत लेट हो गया यार। वैसे तो 2:12-14 घंटे उतना ही टाइम हमें एक्चुअली पहुँचने में लगा था, और इस बार तो हम लोग लाइक रानीखेत का जो डिस्टेंस है वो एक एक्स्ट्रा हो गया, फिर नैनीताल में अंदर गए वहाँ पर रुके वो भी एक्स्ट्रा हो गया। Still we covered pretty fast because इस बारी जो हम हाईवे से आए थे वो दूसरे रास्ते से आए थे। आज सुबह जब मैं उठा था ना अल्मोड़ा में तो I was very tired, like my body was sore because of you know consistent travel, walking, और मैं वहाँ पर सोच रहा था कि आज का दिन पता नहीं कैसे निकलेगा और घर तक मैं कैसे ड्राइव करके पहुँचूँगा, और बीच में रानीखेत भी जाना था एंड आई वांट टू एक्सप्लोर दैट प्लेस। तो हम निकल तो गए रानीखेत के लिए, बट जब वहाँ पे पहुँचे तो धूप इतनी ज़्यादा तेज़ थी, एवरीबॉडी वाज लेजी, सो वी ड्रॉप्ड द प्लान और ये सोचा कि वहाँ से बस निकलते हैं फटाफट से। उसके बाद पूरे रास्ते खाने के लिए ढंग से कुछ नहीं मिला, नैनीताल पहुँचे वहाँ पर खाया, वहाँ से निकलते निकलते 6:30 बज गए। तब मुझे ये लग रहा था कि 6:30 अभी बज रहे हैं और पता नहीं हम लोग कब पहुँचेंगे, 7.5 घंटे का वो ड्राइव दिखा रहा था बट अभी 2:45 हो रहे हैं एंड आई एम होम। सो इस ट्रिप ने अगर मुझे कुछ सिखाया ना तो वो ये है कि कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हैं और नहीं हो पाएंगी, बट देर आर टाइम्स जब आपके पास ना कोई चॉइस नहीं होती, जैसे आज मुझे वापस आना ही था आज। एंड यही सेम चीज़ अगर हम अपनी लाइफ में दूसरी चीज़ों पे अप्लाई करते हैं ना, जहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम उसको स्किप कर सकते हैं या फिर कल कर सकते हैं या अगले महीने कर सकते हैं, तो एक्चुअली में वो कभी नहीं होती है। सो अगर हम ये थ्योरी वहाँ पे अप्लाई कर दें तो आई थिंक वी कैन अकम्प्लिश एनीथिंग इफ वी जस्ट पुश आवरसेल्फ, दैट्स अबाउट इट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।